हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। चरवाक मर नहीं सकता, नहीं मर सकता चरवाक। दाओ भैया की जय। दाओ भैया की जय। दाओ भैया की जय। दाओ भैया की जय। प्रणाम दाओ भैया। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया तुम कुशल तो हो? तुम्हें कहीं कोई आंच, कोई खरोंच तो नहीं आई? दाओ भैया, जब आपका बल, आपका शौर्य, आपकी गदा और सबसे बढ़कर आपका आशीर्वाद मेरी सुरक्षा कर रहा हो, तब भला मुझे क्या हो सकता है? आओ आओ कन्हैया, माताश्री और पिताश्री तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए बेचैन हैं। चलो। अपने मित्र के विनाश और कृष्ण तथा बलराम के विजय की गाथा मैं नहीं सुनना चाहता। पहले रक्त केतु और लंबकर्ण मारे गए और अब चरवाग भी मौत के मुंह में चला गया। इसके बाद स्वयं तुम्हारी बारी है वज्रनाभ, स्वयं तुम्हारी बारी है। दादी मां, वज्रनाभ चरवाक की मृत्यु बलराम का रूप लेकर आई है। अब चरवाक को कोई नहीं बचा सकेगा। हाँ वत्स, कोई नहीं बचा सकेगा। नहीं, हे मायावी, किसी दुष्ट को ब्राह्मण का वेश शोभा नहीं देता। तुमने ब्राह्मण का वेश धारण करके समस्त ब्राह्मणों का अपमान किया है। तुमने मेरे कन्हैया से द्वेष करके हम समस्त द्वारिका वासियों का अपमान किया है। मेरे कन्हैया का वध करने की जो इच्छा भी करता है, मैं उससे उसके जीने का अधिकार छीन लेता हूँ। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, और जो मूर्ख तुम्हें बचाने का प्रयास करेगा वो भी मृत्यु दंड का अधिकारी बन जाएगा। नहीं सकता,
नहीं मर सकता चड़वाक। दाओ भैया की जय। 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 प्रणाम दाओ भैया। कन्हैया 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 तुम कुशल तो हो? तुम्हें कहीं कोई आंच कोई खरोंच तो नहीं आई? दाओ भैया जब आपका बल आपका शौर्य आपकी गदा और सबसे बढ़कर आपका आशीर्वाद मेरी सुरक्षा कर रहा हो तब भला मुझे क्या हो सकता है? आओ आओ कन्हैया माताश्री और पिताश्री तुम्हें अपने गले से लगाने के लिए बेचैन हैं। चलो वो तो होंगे ही पर क्या आप मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं हैं? हाँ परंतु कन्हैया मैं तो तुमसे मिला था दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध के अवसर पर। वो भी कोई मिलना था? उस समय तो आप क्रोध में अचानक मुड़कर वापस चले गए थे। मैं क्या करूं कन्हैया जब भी कोई अनुचित बात होती है तो मैं क्रोध से आग बबूला हो जाता हूं। उस समय भीम ने गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध दुर्योधन की जान पर प्रहार किया बस इसी बात से मुझे क्रोध आ गया। दाऊ भैया उसी बात पर आप मुझसे अब भी रुष्ट हैं? दाऊ भैया चरवाक के साथ युद्ध करते समय जब चरवाक के हाथ में गदा नहीं थी आपने तब भी चरवाक पर गदा का प्रहार करने आगे बढ़े थे। यह बात और है कि वो ऊपर चला गया और बच गया परंतु ऐसा करना क्या गदा युद्ध के नियमों के अनुसार था? कन्हैया चरवाक मुझसे धर्म से युद्ध नहीं कर रहा था वो मायावी युद्ध में माया का प्रयोग कर रहा था। कपटी दुर्योधन जिसका आप समर्थन कर रहे थे उसने भी तो छल और कपट से काम लिया था। दुर्योधन ने पांडवों से कपट द्योत खेला था और अधर्म से हमारे अभिमन्यु का वध किया था। उस अधर्मी के कारण अब भी आप मुझसे रुष्ट हैं? दाऊ भैया विश्व कल्याण के बारे में सोचना और उसके अनुकूल आचरण करना ही धर्म है। क्या दुर्योधन विश्व कल्याण के बारे में सोच रहा था? दाऊ भैया नारियों की सुरक्षा करना दुर्बलों को न्याय दिलाना पापियों को दंड देना और पापियों के साथियों को नष्ट करना यही धर्म है। दुर्योधन को दंड देकर मैंने और पांडवों ने इसी धर्म का पालन किया है। मैंने कोई अधर्म नहीं किया दाऊ भैया और ना ही पांडवों ने कोई अधर्म किया है। दाऊ भैया बताइए फिर आप मुझसे क्यों रुष्ट हैं? अरे किसने कहा कि मैं तुमसे रुष्ट हूं कन्हैया? मुझे तो अपने आप पर क्रोध आ रहा है कन्हैया मैं तो अपने आप से रुष्ट हूं। दाऊ भैया हां कन्हैया दुर्योधन के वध के समय मुझे अवश्य तुम पर क्रोध आ गया था और इसी बात को लेकर मैं अब तक अपने आप से रुष्ट हूं कन्हैया। देखो कन्हैया मैं तुम्हारी तरह धर्म अधर्म की व्याख्या नहीं कर सकता। मैं तो इतना ही जानता हूं कि जहां मेरा कन्हैया है वही धर्म है। दाऊ भैया कन्हैया आओ चलिए। और बलराम जी श्री कृष्ण को लेकर महल की ओर जा रहे हैं। बस दादी माँ बस मत सुनाइए मुझे कुछ मत सुनाइए। अपने मित्र के विनाश और कृष्ण तथा बलराम के विजय की गाथा मैं नहीं सुनना चाहता। पहले रक्त केतु और लंबकर्ण मारे गए और अब चरवाक भी मौत के मुंह में चला गया। इसके बाद स्वयं तुम्हारी बारी है वज्रनाभ स्वयं तुम्हारी बारी है। दादी माँ मुझे डांटकर चुप कराना चाहते हो परंतु मेरे चुप रहने से
भविष्यवाणी दब नहीं जाएगी। वज्रनाभ, भविष्य का दर्पण तुम्हारी मृत्यु के अंधकार में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। दादी माँ, मैंने तुम्हें पहले भी सतर्क किया था और अब भी समझा रही हूँ। भगवान से ईर्ष्या नहीं की जाती वत्स, नहीं की जाती। यदि मेरा भविष्य मृत्यु के अंधकार में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं अपनी शक्ति के तेज से इस भविष्य के अंधकार को मिटा डालूंगा, अपनी मृत्यु की हत्या कर डालूंगा। वत्स वज्रनाभ, अहंकार के अधीन होकर तुम अंधे हो गए हो, इसलिए भविष्य को देखकर भी तुम अनदेखा कर रहे हो। वत्स, अब भी समय है, अहंकार की नींद से जाग जाओ और भगवान की शरण में जाओ। दादी माँ, जिसे आप भगवान समझ रही हैं, उस कृष्ण को मैं अपनी शरण में आने पर विवश कर दूंगा। नहीं नहीं वत्स, ऐसा कहकर तुम भगवान का अपमान मत करो। दादी माँ, मेरे प्राणों से भी प्रिय मित्रों का वध करके आपके भगवान ने मेरा अपमान किया है। इस अपमान का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा, शीघ्र ही द्वारिका पर आक्रमण करूंगा। प्रणाम दादी माँ। तुम्हारे द्वारिका लौटने से ऐसा लग रहा है मानो हमारी हमारी आत्मा हमारे शरीर में लौट आई हो। देखो कन्हैया, तुम्हारे मात्र चरण स्पर्श से ही इस निर्जीव महल में जान सी आ गई है। बड़े भैया, मैं ये सब तो नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि आपके बिना ये कृष्ण शून्य के बराबर है। आप ही मेरे प्राण है कन्हैया। आओ। कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला?
कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के आठवें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी, तुझे मार डालेगी। बाण होगा, यदि आप सारा प्यार कन्हैया पर ही लुटा देंगे तो मेरे लिए तो कुछ बाकी नहीं रहेगा ना। पुत्र बलराम, माता की ममता का भंडार कभी खाली नहीं होता पुत्र।